नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं News4Nation। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि दानापुर स्टेशन के आउटर सिग्नल पर दिल्ली से जा रही संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस एक ट्रॉली से टकरा गई और करीब 300 मीटर तक उस ट्रॉली को घसीटते ले गई। हालांकि इस हादसे में जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इन सबके बीच बताया ये जा रहा है कि ट्रेन का इंजन खराब हो गया, जिसके बाद उसे सीधे वापस प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया। और क्या कुछ हुआ, कैसे ये बड़ा हादसा टल गया, पूरी खबर जानिए विस्तार से। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार की रात बड़ा हादसा होने से बच गया। दानापुर रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रॉली से टकरा गई। ट्रॉली को टक्कर मारते हुए ट्रेन करीब 300 मीटर दूर घसीट कर ले गई। इस दौरान ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, वहीं ट्रेन का इंजन डैमेज हो गया, जिसके कारण ट्रेन को वापस प्लेटफॉर्म पर लाया गया। सूचना मिलने पर आरपीएफ और रेलवे पुलिस के साथ स्थानीय थाने की पुलिस पहुंच गई। बताया जाता है कि दानापुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन संख्या 02393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस गोरगांव स्थित सीमेंट गोडाउन के पास रात के करीब 8:05 पर गुजर रही थी। तभी एक खाली ट्रैक्टर ट्रॉली रेल पटरी को क्रॉस करने लगी। गति तेज होने के कारण ट्रेन सीधे ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रेन के इंजन में जा फंसी। इस दौरान करीब 300 मीटर तक ट्रेन ट्रॉली को घसीटते हुए आगे ले गई। यात्रियों के मुताबिक ट्रेन चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही आरपीएफ के अलावा संबंधित रेल अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। वहीं कोठिया गांव के आसपास रहने वाले ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों और रेल कर्मियों के सहयोग से ट्रॉली को इंजन से बाहर निकाला गया। आधे घंटे बाद ट्रेन को दूसरे इंजन के सहारे बैक कर दानापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म लाया गया। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर शंकर अजय पटेल ने बताया कि गोरगांव सीमेंट गोदाम पोल संख्या 555/3-1 के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से टकरा गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर की ट्रॉली ट्रेन के इंजन में फंस गई। इस दौरान ट्रेन घसीटते हुए पोल संख्या 556/9 के करीब 250 मीटर दूर तक ट्रॉली को ले आई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, चालक पर मामला दर्ज कर ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। तो वाकई एक बड़ा रेल हादसा टल गया और किसी को भी हताहत तो नहीं हुआ, नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये एक बड़ा हादसा था जो होने से टल गया है। आपको बता दें कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली सामने आ गई और ट्रैक्टर की ट्रॉली इंजन में फंस गई और करीब 300 मीटर तक ट्रेन उसे घसीटते हुए आगे ले गई। हालांकि ग्रामीणों और साथ ही साथ स्थानीय लोगों की मदद से, आरपीएफ की टीम की मदद से ट्रैक्टर की ट्रॉली को इंजन से निकाला गया और वापस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें News4Nation के साथ। नमस्कार।